आज आपके लिए संत पलटू दास जी की एक जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कहानी लेकर के आया हूँ। संत पलटू दास जी रहा करते थे अयोध्या में। अयोध्या में उनकी दुकान थी राशन की, और उनकी दुकान से राशन जाया करता था भगवान राम को, जो भोग लगता था। वहाँ पे महंत थे राम प्रसाद जी, तो वो उनकी दुकान से, यानी पलटू दास जी की दुकान से ही जाया करता था। अच्छा, वो जो राम प्रसाद जी जो महंत थे, वो फक्कड़ आदमी थे, जोड़ करके कुछ नहीं रखते थे। पूरे दिन में जो चढ़ना पैसा धेला जो भी वहाँ पे मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था, वो भेज देते थे पलटू राम की दुकान पे। पलटू राम खाने का सामान, दाल चावल वगैरह जो भी था, वो भेज देता था कि उसका वो जो राम प्रसाद जी तथा उनके जो साधु महात्मा थे उनको भी भोजन हो जाता था, और मंदिर में भगवान को भी भोजन हो जाता था। हनुमानगढ़ी में ही स्थित था ये सारा महंत जी का जो मंदिर था, तो ये बड़े सुचारू ढंग से चल रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, पूरे दिन महंत राम प्रसाद जी के मंदिर में कोई नहीं आया, यानी भगवान राम और उनके परिवार के मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा। उन्होंने शाम को भेज दिया अपना एक अनुचर, एक सेवक, कि जाओ पलटू दास की दुकान पे जाओ, उसको बोलो थोड़ा सा अनाज दे दो खाने पीने का, ताकि भगवान को तो भोज लगा दें। तो वो दुकान पे गया पलटू राम जी ने, जाकर के बोल दिया कि भाई साहब ऐसा है, महंत जी को, महंत जी का मेरे साथ नगद का व्यापार है, मैंने तो उन्होंने कभी उधार मांगा नहीं और मैंने कभी उधार दिया नहीं, इसलिए मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोल करके वापस भेज दिया। महंत जी के पास वो उनका सेवक पहुंचा, उसने जाकर के बोला, तो महंत जी बोले कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा बेटे, आज भगवान को भोजन लगा दो पानी का ही, हम भी पानी पी के सो जाएंगे, भगवान भी पी जाएंगे। तो उन्होंने भोजन लगाया, भोग लगा दिया पानी का, और खुद भी सो गए। अच्छा होता क्या था, पलटू ये जो राम प्रसाद जी थे, ये भोग लगाते थे, उसके बाद एक घंटा भजन सुनाते थे भगवान। उस दिन पानी पिया और पिलाया भगवान को, फिर एक घंटा भजन गाया, फिर सो गए। अब दोनों भूखे थे, भगवान भी और भक्त भी। रात को, आधी रात के करीब, पलटू राम जी के घर के बाहर किसी ने दरवाजा खड़खड़ाया होगा, खटखटाया। पलटू राम जी को बड़ा गुस्सा आया, पलटू राम जी अरे और जैसे दरवाजे के नजदीक पहुंचे तो बाहर से बच्चों की आवाजें आने लगी, पलटू राम जी पलटू राम जी। अब पलटू राम जी ने दरवाजा खोला तो बच्चों को देख करके दंग रह गए। चार बच्चे थे, 10-12 साल के बच्चे थे, लेकिन उनकी आभा और उनकी चमक और ऑरा देख करके उनका क्रोध जाता रहा, और वो उनके उनको देखते रहे, मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब इतने ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित हो गए। उन्होंने बोला, देखो भाई, ये महंत जी ने भेजा है हम लोगों को, आपने आज उनको भेजा नहीं, अनाज भोजन नहीं भेजा, उनको भोग नहीं लगा पाए, तो ये है हमारे पास, ये देखो एक कपड़ा है, और इस पे इसके एक एक तरफ परना है, इसके एक तरफ अशर्फियाँ बने हुई हैं, 1600 चांदी के सिक्के अशर्फी, ये ले लो और अनाज दे दो, ताकि हमारे आश्रम में भोजन बन सके, भोग लग सके। इतना सुनते तो हम उसको बड़ी शर्म आई कि अरे मेरे कारण इतना ज्यादा नुकसान हो गया भगवान का, क्योंकि ये बात उसके मन में थी नहीं कि आज भोजन नहीं बना है मंदिर में। बड़ा शर्मिंदा होकर के हाथ जोड़ता, अरे मंदिर ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो भेज देता, और इतने ज्यादा पैसे, इतने पैसे से तो मैं पता नहीं कितने समय तक भेजता रहूंगा, अभी भी जो मेरे पास सामान पड़ा है कि सारा दे दूं तभी थोड़ा सा ही जाएगा, इतने पैसे भेजने की क्या जरूरत है। बोलते अच्छा चलो, बच्चों ने बोला कोई बात नहीं, अब आप पैसे रख लो और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सामान भेजते रहना, कभी भी मंदिर में जो मठ है उसमें अनाज की इसकी कमी ना हो, ताकि उनको भूख लगाने में दिक्कत। पलटू राम जी ने माफी मांगी, बोलते कोई बात नहीं, सवेरे में भेज दूंगा, महंत जी को बोलना आप चिंता न करो। सवेरे तड़के ही पलटू राम जी ने हाथ धोकर के तिल लगा करके महंत जी गए, गाड़ी में सामान, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी में सामान रखा,
करके, और जैसे ही वहां पहुंचे महंत जी के आगे हाथ जोड़ करके सिर नीचे करके माफी मांगने लगे कि महंत जी माफी दे दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो पापी, मेरे को पता नहीं था इतनी। अरे बोलते बात क्या हो गई, आप सवेरे सवेरे किस चीज की माफी मांग रहे हो, आपने क्या गलती कर। बोलते आपने रात को भेजा था बंदा, मैंने आपको मतलब अनाज नहीं दिया और आपको भोजन नहीं कर पाए, फिर आप रात को क्यों बच्चों को भेजा, आपने इतनी रात सुकोमल से बच्चे आपने भेज दिए, वो तो अच्छे बच्चे थे कि चलो आपके भेजने पे आ गए, और फिर इतने पैसे भेजने की क्या जरूरत थी महंत जी, 1600 शर्फियां भेज दी आपने, मेरी क्या औकात 1600 शर्फियों का सामान आपको दे दूं, मैं तो कई साल भेजता रहूंगा तब भी खत्म ना हो। बोलते ये तो भाई साहब मैंने तो किसी को नहीं भेजा। बोलते अब ये देखो ये पीताम्बर, जिसको परना या पीताम्बर, ये देखो पीले रंग का एक पीताम्बर था, इसमें बंधे हुई थी शर्फियां। अब जो राम प्रसाद जी थे वो दंग रह गए, बोलते ये जो पीताम्बर है या परना है ये तो अंदर मंदिर का है और ये गायब है, सवेरे से हम ढूंढ रहे हैं ये मिला ही नहीं। तो अब राम प्रसाद जी जो महंत थे वो सिर पे हाथ धर के बैठ के आंखों में आंसू। उधर पलटू दास जी का भी पूरा हाल, पलटू राम जी बोलते अरे वो साक्षात भगवान और मैं उनको पाऊं, उनके पाँव ही नहीं पड़ पाया, मैं उनके चरणों को भी छू नहीं पाया, मैं पहचान भी नहीं पाया। अब वो दोनों साथ बैठ करके रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। एक बोलता मैं पूजा करता रहा, महंत जी बोलते मैं इतने सालों से सेवा करता रहा, मुझे दर्शन नहीं दिए। उधर पलटू राम बोलता मेरे पास आए और मैं पहचान भी नहीं पाया, मेरे जैसा पापी। दोनों अपने अपनी जगह ठीक थे। उधर पलटू राम जी को एकदम से जैसे संसार से वियोग हो गया, वो एकदम से विरक्त हो गए, इस इंसिडेंट के बाद भगवान के ही होकर के रह गए। दूसरी तरफ महंत राम प्रसाद जी ये बेचारे रोए, रात को भगवान को भोग लगाया और जब एक घंटे का भगवान को भजन सुनाते थे वो भजन सुनाने लगे, सुनाते रहे रोते रहे और वहीं बीच में वो ध्यान अवस्था में चले गए। बाहरी अवस्था में तो बोलेंगे तो बेहोश हो गए, लेकिन वो ध्यान अवस्था में चले गए। ध्यान अवस्था में गए तो वहाँ उनको सब परिवार भगवान राम और उनके चारों भाइयों पत्नी सहित उनके दर्शन हुए, हनुमान जी सहित। उसी अचेतावस्था में राम प्रसाद जी को माता सीता ने बिंदी जैसा तिलक लगाया, और इस इंसिडेंट के बाद जब वो उठे हैं तो उन्होंने अपने माथे पर वो तिलक पाया गोल बिंदी की तरह। अब जो राम प्रसाद जी हैं इनका जो वहाँ पर मठ है वहाँ पर बिंदी वाला तिलक ही लगाया जाता है, तो सीता माता ने। लेकिन उधर पलटू राम जी पलटू दास बन गए और पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो गए। आप देखिए भगवान आसपास ही हर समय हैं, हमारी जरूरतों को, हमारे हर तरह के परेशानियों को दूर करने के लिए हर समय है और हर किसी के साथ है, आपके साथ भी रहे हैं हमेशा। लेकिन जब विपत्ति आती है तो हम एकदम से भूल जाते हैं, यार पिछली बार भी तो उन्होंने संभाला था। अब देखिए ना राम प्रसाद जी और पलटू राम जी पलटू दास जी बन गए और आज इतिहास गवाह हो गया, भगवान साक्षात आए, चारों भाई आए, पूरे पैसे दे करके गए, आगे का भी पूरी चिंता करके गए। तो फिर हम साधारण लोग इतनी चिंता और टेंशन क्यों करें, जब भगवान है हम भगवान के, हम भगवान हमारे, फिर सोचना क्या। लेकिन समर्पण पूरा चाहिए।